कि जदों मीटिंग खत्म होंदी है कह दें जी इस सब्जेक्ट पर असी डिस्कशन अगली मीटिंग करांगे। पता नहीं क्यों इस सब्जेक्ट नूं पोस्टपोन कर देंदे हन। जदों भी वो चाण किसी बंदी सिंह नूं ही इमीजिएटली रिलीज़ करा सकते हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तकरीबन 100 करोड़ का बजट साल का है और 100 करोड़ के बजट चो 10,000 करोड़ रुपया इधर या उधर किस तरह हो सकता है, पासीबल ही नहीं। गलबात करांगे साडे विच मौजूद ने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के जेडे प्रधान ने वो मौजूद ने, असीं गलबात करांगे उन्हां दे नाल। सब तो पहला चड्डा साहब स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद तुहाडा। चोणां दी गल कीती आ, चोणां हुण नेड़े आ रही ने, किदां दीआं मीटिंगां हो रही ने ते की रूप रेखा तैयार की जा रही है? देखो जे तक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणां दा सवाल है, दिल्ली की संगत ने या श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट ने किसी किस्म की हले तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि असी पंजाब दे विच आ के चोणां च हिस्सा लईए जी। कल की पोजिशन होंदी है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की फैसला लैंदी है और बाकी जितनी भी अकाली दल पंजाब दे विच हैं उन्हां दा की फैसला होंदा है। अगर साडे कोल कोई भी इनविटेशन कुछ पार्टियां दा दिल्ली इनविटेशन पहुँचता है कि तुसीं साडी चोणां दे विच सपोर्ट करो तो असी उस पॉइंट नूं जरूर कंसिडर करांगे कि असी उहदे च दखल देना या पार्टीसपेट करना या अपने कैंडिडेट खड़े करने, इन्हां दा हले तक कोई विचार नहीं। लेकिन विचार करन दा मौका जरूर आएगा क्योंकि असी महसूस करते हाँ कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक जदों भी इलेक्शन होंदे हन या कोई भी प्रोग्राम होंदा है उहदे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर वर्द चढ़ के हिस्सा लैंदी है और वह कोशिश करती है कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते किसी तरीके दे नाल काबूस होया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर बादल ग्रुप ने दिल्ली दी संगतां नूं नाल जोड़न की कोशिश की है, जब वो दिल्ली दे विच किसी किस्म का ऐसा विचार रखते हैं तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट उन्हें भी कुछ सोचना पेगा कि रेसीप्रोकल सानू भी पंजाब दे विच मैनेजमेंट दे विच सानू भी हिस्सा चाहिए। मैं उम्मीद रखता हाँ कि शायद साड़ी तरफों पूरी कोशिश होएगी कि किसी किस्म का भी विदकरा ना पाया जाए, किसी किस्म का ऐसा माहौल ना क्रिएट किया जाए जिदे च यह होवे कि लो जी ये गुरु घर दे नाल नहीं हैं, असी गुरु घर दे नाल हाँ, गुरु घर दे सेवा विच हैगे हाँ, गुरु घर दे नाल जुड़े हुए हाँ। और अमृतसर दरबार साहब के अगे असी सारे नतमस्तक बिल्कुल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्योंकि उसकी मैनेजमेंट है, असं समझते हैं कि सानू उन्होंने कोऑपरेट करना चाहिए है, बिल्कुल पूरी मदद करनी चाहिए है और दिल्ली कमेटी जड़ी है वो मदद वास्ते हर वक्त तैयार है, प्रोवाइडेड कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर इन्नी वड्डी ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़े क्योंकि अज दुनिया भर के जिथे जाओ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की रिकग्निशन हो रही है और वह सेवा अगे बढ़ रहे हैं, तत्पर हैं। मेरे दिल्ली कमेटी तुसी गल की है बंदी सिंघां नूं लैके जिहड़ा लगातार जिहड़ा हर वार मुद्दा छिड़दा, इस बार भी बंदी सिंघां की गल की है। भाई बलवंत सिंह राजू उन्हां दी जिहड़ी भैण है उन्होंने कहा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो श्रोमणी अकाली दल बादल भी जेकर चंगी तरह पैरावाई करना तो जिहड़े बंदी सिंह ने वो जल्दी जिहड़ा रिहा हो सकते हैं, की कहना चाहते हो उहदे बारे? देखो गल इह वे जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि जिहड़ी साडे बंदी सिंह हैं वो जिहड़े जेलां च हैं, बिल्कुल जिहड़े दिल्ली दी जेलां च हैं उहदी जिम्मेवार दिल्ली गवर्नमेंट है और जिहड़े पंजाब दी जेलां च हैं उहदी जिम्मेवार पंजाब गवर्नमेंट है। जदों भी वो चाण
किसी बंदी सिंह नूं ही इमीजिएटली रिलीज़ करा सकते हैं। असी दिल्ली च महसूस किया है कि कई बार कैबिनेट की मीटिंग होंदी है जिहदे च सानूं पता लगता है कि एजेंडा है बंदी सिंघां दे बारे, लेकिन जदों मीटिंग खत्म होंदी है कह दें जी इस सबजैक्ट ते असी डिस्कशन अगली मीटिंग च करांगे। पता नहीं क्यों इस सबजैक्ट नूं पोस्टपोन कर देंदे हन, ये इंटरनल उन्हां दा कोई है ताकि असी हर वक्त ये मुद्दा चुकते ही रहिए। और तुसीं साडे साथियों नूं छड्डो, साडे साथियों ने अपनी जिहड़ी सज़ा है पूरी कर ली है, उस तो ज़्यादा भी अंदर बैठे हैं और जिहड़ी उन्होंने सज़ाए मौत तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का जिहड़ा गवर्नमेंट ने ऐलान किया उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। क्या वजह है, क्या उसकी रीज़न है, ये लोकल गवर्नमेंट्स की अदारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आधार नहीं है। दिल्ली की गल की, दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार है तो पंजाब के भी आम आदमी पार्टी सरकार जो सत्ता के आए थे तो उन्होंने कहा कि जो साडे पोलीटिकल लीडर ने खास तौर पर भी कोई करप्शन नहीं करेंगे, एक नंबर का काम होगा। हूँ तुम देख रहे हो विजिलेंस जो लगातार जो उन्होंने अरैसट कर रही है, जाँच हो रही है। दिल्ली की भी गल की, कई जो आम आदमी पार्टी के लीडर ने वो लगातार अंदर हो रहे हैं, की लगता वो जो वादा से दावा से कितने गया? देखो इस तरह है, कोई भी गवर्नमेंट आवे, कोई भी पार्टी आवे, उनका एको काम है पार्टी नूं मजबूत करना जी, बिल्कुल। और पार्टी मजबूत हमेशा पैसे नाल बनाउंदी है, इंटरनली चाहे वह दिल्ली गवर्नमेंट होवे चाहे वह पंजाब गवर्नमेंट होवे, उन्होंने अपने आप नूं मजबूत करने वास्ते पैसा इकट्ठा कर रही है और करती रहेगी। और खाली स्टेटा दे चीफ मिनिस्टर या उत्थों दीआं पार्टियां पैसा नहीं इकट्ठा करदियां। मैं देखना हाँ कि एक बहुत वड्डा कानून आया है जिहदे च तुसी इलेक्शन फंड इकट्ठा कर सकते हो, कानून जब इलेक्शन फंड तुसी इकट्ठा कर सकते हो, वड्डियां पार्टियां इकट्ठियां कर सकते हो, तो छोटियां पार्टियां ने पैसा कित्थों लैणा है? इलेक्शन फंड जिहड़ा आ रहा है, मैं परसनली तौर पर महसूस करता हाँ कि ये जिहड़ी भी गवर्निंग बॉडी होंदी है उहदे कोल पैसा जरूरत तो ज़्यादा आंदा है, छोटियां पार्टियां को नहीं आता। अच्छा, मेरा एक और सवाल सी, जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल बादल की गल की आवे, की समझदे हो जिहड़ा उन्हां दा ग्राफ गिर रहा लगातार, जां हुण ओह कोशिश कर रहे हैं अपने ग्राफ नूं उपर चकण दी, इहदा वजह की समझदे हो? की लगदा तुहानूं जिहड़े पुराने लीडर साहबान सी जिवें सुखदेव सिंह ढींडसा की गल की जाए जां होर इन्हां दे साथी सी, ओह हौली हौली छड्ड गए, तुहानूं लगदा वी उन्हां करके जिहड़ा ग्राफ गिरिया, जां फिर कारण की समझदे हो? देखो कारण सिर्फ इक्को ही है जो मेरी समझ ते है कि श्रोमणी अकाली दल बादल एक सब तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल है, ठीक है, 1920 तो लगी हुई है, उन्हों ये सारिया पार्टियां दे नाल मिलवर्तन रखना चाहिए है, उन्हों की छोटी छोटी मांग होंदी है, वो भी अगर श्रोमणी अकाली दल पूरी ना करे तो नैचुरली उन्होंने वक् होना ही है। तुसीं अपने बच्चों की गल ना मनो तो फिर वो की करेंगे, वो अपनी दुकान बखरे खोल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझना हाँ कि ये जितनिया पार्टियां बनिया हैं यदि जिम्मेवार श्रोमणी अकाली दल बादल है, और उन्होंने नाल अगर गलवकड़ी पा के चलते हैं तो सारी कौम का फायदा हो सकता है, अगर वो गलवकड़ी नहीं पाते तो महसूस करता कि वो जिथे इन पार्टियां टुट के बन गई हैं उत्थे पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल बादल का भी वजूद घट रहा है और होर घट जाएगा। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है, दिल्ली के अच्छे जो धरना लग रहा सरना भरावों वालों खास तौर पर श्रोमणी अकाली दल वालों धरना लगे, तुहानू लगता है भी वो मनजिंदर सिंह सिरसा तो दिल्ली कमेटी के खिलाफ धरना है, कहिंदे करोड़ों रुपये का घपला जो उन्होंने दिल्ली कमेटी के किया है, कि समझते हो एक आम जी सिख ने आम जो लोग ने जो विदेशों के सिख बैठे ने, तुहानू लगता नहीं एक मैसेज जो सिखा प्रति की जा रहा? हो देखो गल ये अखबारों भी पढ़िया है कि 10,000 करोड़ का घपला, 10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान तो चला जाए जमीन खरीदने वास्ते कनेडा तो, या तो बैंक के थ्रू जाना चाहिए तो या हवाई जहाज या शिप के थ्रू जाना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपया कोई छोटी चीज़ नहीं होती, वो वास्ते एक ट्रक भी थोड़ा पैंदा है, तो ये चीज़ा जड़ियाँ इन्नी यह फिगर आ जाती है उत्थों पता लगता है कि सारा फिक्टिशियस मामला है, ये कोई गल दम नहीं है। बाकी अपोजिशन की दिता गल है, अज दिल्ली के अगर
सन्ना साहब का गुट नहीं मैं कहूँगा, श्रोमणी अकाली दल बादल का गुट है अजकल, और वो अगर धरना देंदे तो कम अज कम वो आपस में बैठ के मंत्रणा करन कि इस जूस दे विच की सच्चाई है, कि वह पोलिटिकली है या सेंट्रल गवर्नमेंट दे अगेंस्ट है या किसी पर्टिकुलर बंदे दे अगेंस्ट है। साड़ी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तकरीबन 100 करोड़ का बजट साल का है, और 100 करोड़ के बजट चो 10,000 करोड़ रुपया इधर या उधर किस तरह हो सकता है, पासीबल ही नहीं है। आज स्पेशली असी दिल्ली दे विच एक मिस्टर आहूजा हैं जेडे मने सीए है, उन्होंने असी वॉलंटियरली उत्थे कमरा दे के वो अकाउंट्स नू चैक करते हैं, साडे सीए भी हैं वो भी चैक करते हैं, अकाउंट सैक्शन भी है। कोई भी पार्टी 100 बंदा नहीं, 2 बंदे तुसी अपॉइंट कर दियो और असी उन्हें पूरी कोऑपरेट करके अकाउंट्स उन्होंने सामने रख देंगे, जो उन्होंने सवाल आएंगे उन्होंने जवाब भी देंगे और उन्होंने क्लैरिफाई भी करांगे। मैं समझना कि 100 करोड़ जिस जगह का बजट हो उसके ऊपर 10,000 करोड़ की गल की जाए, मैं समझना कि सिवाए एक गिमिक दे होर कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल जिस तरह गल की जाए, अज विशेष तौर पर चड्ढा साहब के नाल गल हुई है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जिहड़े बादल आ उन्हां दे जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दी इकाई जिहड़े उन्हां दे प्रधान ने, जिन्हां ने विशेष तौर पर चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल गलबात की है, तो राजनीतिक मसलों नूं लै के सवाल सी उसदे जिहड़े जवाब ने उह बेबाकी दे नाल दित्ते ने। पटियाला तों कैमरामैन कृष्ण दे नाल अमरजीत सिंह दी विशेष रिपोर्ट।